ओम करो तुषान सुभे तुरीश्वरी शुभानि भद्राणि भिहन्तु चापदः। ओम करो तुषान सुभे तुरीश्वरी शुभानि भद्राणि भिहन्तु चापदः। यदि कभी कोई ऐसी विपत्ति आ जाए जिसका समाधान न सूझ रहा हो तो आपको चाहिए कि आप यह मंत्र जो दुर्गा सती का है, आधा मंत्र है, करो तुषानः सुभे तुरीश्वरी शुभानि भद्राणि भिहन्तु चापदः, इस मंत्र का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का यदि 9 पाठ किया जाए तो आई हुई विपत्ति समाप्त हो जाती है और भाग्योदय निश्चित रूप से हो जाता है। आज है शरद पूर्णिमा की पावन तिथि। पूर्णिमा की ये तिथि बहुत ही कल्याणकारी होती है। कहते हैं इसी दिन युगल सरकार भगवान कृष्ण ने निधिवन में गोपियों के साथ महारास रचाया था। आज ही की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में पूर्ण होता है, इसलिए कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा धरती पर अमृत की बरसात करता है। इसलिए आज के इस बहुत ही खास मौके पर कालचक्र आपके लिए लेकर आया है बहुत ही चमत्कारी उपाय जो आपको जीवन में दिलाएंगे युगल सरकार की कृपा। साथ ही माता लक्ष्मी पधारेंगी आपके द्वार पर। और हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। अक्टूबर 2013 दिन शुक्रवार, आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि कल सुबह 4:47 तक रहेगी। रेवती नक्षत्र रात में 2:43 तक। आज राहु काल सुबह 10:30 से 12 तक। भद्रा काल आज सायंकाल 5:04 तक रहेगा। आज स्नान दान और व्रत की पूर्णिमा है। आज शरद पूर्णिमा भी है। आज रात में माता लक्ष्मी, इंद्र और कुबेर की पूजा का शास्त्र सम्मत विधान है। आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती है और कार्तिक महीने के लिए जो एक महीने दीपदान शुरू किया जाता है वह भी क्रिया आज ही सायंकाल से शुरू हो जाएगी। आज है शरद पूर्णिमा का खास दिन। कहते हैं कि आज का ये खास दिन बेहद खास होता है, इस तिथि को सबसे ज्यादा खास माना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्या है इस तिथि की महिमा, आइए जानते हैं। पंडित जी, शरद पूर्णिमा का जो दिन होता है या ये तिथि जो होती है, इसे इतना खास क्यों मानते हैं? देखिए, आज शरद पूर्णिमा है। कवि और तमाम उच्च कोटि के जो विद्वान हैं, जब भी उन्होंने उपमा अलंकार की व्याख्या कहीं की है तो उसमें शरद चंद्रमा को कहना वो नहीं भूले हैं। यस्या शरद चंद्रिका, जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, जिसको शरद चंद्रिका कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन महीने की जो पूर्णिमा तिथि होती है, इसी को आश्विन पूर्णिमा को ही आश्विन पूर्णिमा कहते हैं। इसको कोजागरी भी कहते हैं। पूर्णिमा और रास, इसी दिन द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में 16,108 गोपियों के साथ महारास रचाया था। मान्यता है कि इस रात में चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। पूरे साल में इसी दिन 16 कलाओं से चंद्रमा युक्त रहता है। ये चंद्रमा की 16 कलाएं क्या हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि परिवा से लेकर के पूर्णिमा तक की 15 तिथियां, जिसमें 15 कलाओं से चंद्रमा घटता और बढ़ता है, और एक तिथि और बचती है, ध्यान दीजिए, वह तिथि है अमावस्या, जो इस 15 की गणना में नहीं है। तो 15 के अलावा अगर अमावस्या को भी जोड़ लिया जाए तो ये 16 कलाओं में चंद्रमा का घटना बढ़ना प्रतीत होता है। तो चंद्रमा की कुल कलाएं जो होती हैं वो 16 कला होती है, और इसी तरह से चंद्रवंश अर्थात यदुवंश भी 16 कलाओं में ही अयोध्वंश में अवतार लेने का भगवान श्री कृष्ण के मान्यता है। तो आज हम आपको इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि इस अमृत वर्षा का लाभ अपने जीवन में कैसे लिया जाए और कैसे महालक्ष्मी, इंद्र और कुबेर को प्रसन्न किया जाए, कैसे जीवन को सकारात्मक प्रभाव से परिवर्तित किया जाए।
वैसे हम आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि आज ही के दिन युगल सरकार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का अभिषेक करने से आप जो भी मुराद मांगेंगे वो जरूर पूर्ण होंगी। इसलिए आज आपकी राशि अनुसार पंडित जी आपको बता रहे हैं युगल सरकार के खास अभिषेक के बारे में, जिससे कि आपको जीवन में अपार आनंद की प्राप्ति हो और साथ ही साथ आपके घर पर बरसे माता लक्ष्मी की असीम कृपा और आप बन जाए धनवान। चलिए पंडित जी से सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि वाले आखिरकार कैसे करें युगल सरकार का अभिषेक, जिससे कि पूरी हो सके उनकी तमाम मुरादें, उनकी तमाम मांगे। पंडित जी बताइए। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पूर्णिमा पर्व पर मेष राशि के लोगों को गंगा जल से राधा कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रायः शरद पूर्णिमा अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा प्रायः अश्विनी नक्षत्र में होती है। अगर अश्विनी नक्षत्र में ना हो तो ये रेवती में होती है। इससे ज्यादा नक्षत्रों का फर्क अश्विन पूर्णिमा पर नहीं होता है। तो आपके जन्म राशि का नक्षत्र भी इस पूर्णिमा में सम्मिलित है, इसलिए यह पूर्णिमा आपके लिए विशेष लाभकारी है। दूध से बनी हुई मिठाई का आपको राधा कृष्ण को भोग लगाना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। दोपहर के समय माखन मिश्री से भगवान श्री कृष्ण के प्रीति के लिए हवन करना चाहिए। कन्याओं को दूध एवं खीर का भोजन कराना चाहिए, इससे सारे कष्टों का समाधान होता है और भवसागर से भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पार होने में सफलता प्राप्त होती है। भोपाल से एक दर्शक जुड़ गई है। पूजा जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। चलिए मेष राशि के बाद रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि वृषभ राशि के जो लोग हैं वो आज कैसे करें युगल सरकार का अभिषेक, जिससे कि उनको मिल सके युगल सरकार का आशीर्वाद। पंडित जी बताइए। देखिए, मैं वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पूर्णिमा पर्व पर आप वृषभ राशि के जो जातक हैं पंचामृत से राधा कृष्ण का अभिषेक करें। राधा कृष्ण को पंजीरी और ऋतु फल का आप भोग लगाएं। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष गं शिश्रौ द्यौ शमवर्ततः पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान अकल्पयन। ध्यान दीजिएगा, आप यदि राधा कृष्ण की उपासना आज शरद पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं तो पुरुषोक्त से राधा कृष्ण की पूजा आपके लिए अमृत की तरह लाभकारी होगी। श्री राधा कृष्ण शरणम इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। कमल गट्टे से हवन करना चाहिए। कमल गट्टे को दशांग हवन सामग्री में मिला करके हवन करना चाहिए। दही और गाय का घी मंदिर में दान करना चाहिए, इससे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। ये तो बात थी वृषभ राशि वालों की, लेकिन जो मिथुन राशि वाले हैं उन्हें क्या करना है आज खास, किस तरह से वो युगल सरकार की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं एक खास तरीके से अभिषेक करके, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि दूध से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का अभिषेक करें। राधा वल्लभ को पंचमेवा के साथ केले का भी भोग लगाएं। श्री राधाये स्वाहा इस मंत्र का यथासंभव जप करें। पंचमेवा से हवन करें और उन्नति के लिए दूध और चावल का दान करें, इससे निश्चित रूप से भाग्योदय होता है और जीवन सुखों से परिपूर्ण रहता है। बेंगलुरु से एक दर्शक जुड़ गई है। शिवानी जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। प्रणाम पंडित जी, मैं बेंगलुरु से बोल रही हूँ। पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। जी पंडित जी, मेरे हस्बैंड का जन्म डेट ऑफ बर्थ है 10/2/1970। अच्छा पंडित जी, एक्चुअली वो काफी सालों से ट्राई कर रहे हैं फॉरेन जाने के लिए, लेकिन उनका कोई लंबे समय के लिए कोई फॉरेन में जॉब नहीं लग पा रहा है और वो एक दूसरा घर भी बनाना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए? देखिए, जहाँ तक आपने विदेश यात्रा के बारे में प्रश्न किया है तो प्रश्न काल में आपके सप्तम भाव से भाग्य स्थान में केतु बैठा हुआ है मेष राशि में और नवमेश सिंह राशि में स्थिर राशि में बैठा हुआ है। अभी इन्हें विदेश यात्रा का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा प्रश्न आपने घर के लिए किया है तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति का सामंजस्य बन रहा है, लेकिन मंगल मड़ऊ योग कर रहा है। 2015 में इनके घर का योग बन जाएगा।